लड़कियों के प्रैक्टिकल बना रहा है नहीं मेरा प्रैक्टिकल है खाना नाम चल के रही मेरा प्रैक्टिकल अच्छा मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ इतने लोग बीमार हमारा हॉस्पिटल का सारे पार्ट का छोड़ी मिस्टर दिलीप सिंह और सामने गाइस एक्सीडेंट हो गया यार गाड़ी का यार क्योंकि मैं आई विटनेस था ऐसे मामलों में ना यार चुप नहीं रहना चाहिए हमारे लोग सोचते चुप रहेंगे हम तो चुप रहने से ना भाई उसका नुकसान हो जाता है उसको बोलते 20,000 भरना ये भरना ऐसे भाई देखो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी मदद से बढ़िया होंगे मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल मोहित और व्लॉग तो बस बोर्ड के आए हूँ आप मेरे शक्ल से देख रहे होंगे ये है हमारे लड्डू गोपाल जी सारे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद मैंने करनी है पूजा और बताता हूँ आपको आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है खबर से नहा धो के पूरा फ्रेश हो के खाना वाना खा के पूजा वाजा करके अभी बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ एंड अभी चलते हैं जीएमसी कठुआ की ओर मैंने यूनिफॉर्म डाल लिया आपको बताता हूँ कि आज क्यों जा रहा हूँ मैं जीएमसी कठुआ वो उधर जाके बताता हूँ क्योंकि 2-4 मिनट बचे हैं बस आने में तो भाई उठाते हैं अपना बैग लेके प्रभु का नाम राधे कृष्ण चलिए फिर चलते हैं आपको बता दूं इतने दिनों बाद क्यों हम जीएमसी जा रहे हैं आज हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए थे लगभग आज से 25 दिन पहले एंड प्रैक्टिकल बच गए थे तो थोड़ी नर्वसनेस भी है और उधर जाके डालेंगे एप्रन बाकी यार 11 बजे शुरू होगा मेरा प्रैक्टिकल अभी मैं खड़ा हूँ रोड में भाई मौसम देख रहे हो अब मौसम मतलब कितना ऑसम हो रखा है मैं आपको क्या ही बताऊं यार इतना सुंदर मौसम एंड देखो भाई ये रोड वालों ने यहाँ तक आएगी भाई जो ब्लैक टॉपिंग करेंगे ना वो यहाँ तक आएगी तो गाइस मेरी बस भी आ चुकी है जिसमें मैंने जाना है वो देखिए सामने अभी टाइम हो रहा है 10:40 एंड मैं पहुंच गया हूं भाई जीएमसी कठुआ के बाहर एंड बस ने पीछे उतार दिया पता नहीं क्यों आगे रोड बंद है कालीबड़ी वाली साइड इसलिए बस ने पीछे उतार दिया मौसम चेक करो यार मौसम कितना ऑसम हो रखा है ये देखो पढ़ने वाला लड़का 10 मिनट बाद प्रैक्टिकल है हेलो ब्रो 10 मिनट बाद प्रैक्टिकल है और इसके प्रैक्टिकल अभी बन रहा है घर पे पहले क्या किया पूरा साल ये लड़कियों के प्रैक्टिकल बना रहा है लड़कियों का नहीं मेरा प्रैक्टिकल है दिखाना नाम चल के रही मेरा प्रैक्टिकल अच्छा हमको सिखा रिया है नाम दिखा बेइज्जती कर रिया ना नाम दिखा तो गाइस यहां देखिए सुबह सुबह जीएमसी का मौसम किस तरह से है काफी दिनों बाद एप्रन डाला यार ड्यूटीज के बाद आज जा रहा हूँ मैं तो चलते हैं फिर अंदर यार हम अपना प्रैक्टिकल देने एंड हमारे दो भाई इधर हैं भाई हेलो कर दो कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं ना उनके प्रैक्टिकल यहीं पे होगा सामने गवर्नमेंट AMT कठुआ पहले गाइस जीएमसी कठुआ की कैंटीन इधर होती थी जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जीएमसी तो अभी बना है और इन सारे वार्ड्स में हमने काम किया हो ऊपर तक वहाँ भाई उधर किया तो है छत नहीं छत के नीचे वाले फ्लोर पे
यहाँ पे भाई देखिए न्यू न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तैयारी है भाई? फिर फुल तैयारी नर्सिंग इज अ प्रोफेशन। अच्छा। जो हम बच्चों को नहीं कोई भी पीपल को हम केयर प्रोवाइड करते। तुमसे ना हो पाएगा। कोई भी पीपल नहीं, इंजर्ड और सिक पीपल। अच्छा बस चल ठीक है। सो गाइस अभी हमारा प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है, तो अभी हम सारे बच्चे अंदर जा रहे हैं तकरीबन, तो मैं भी अंदर चलता हूँ, तो फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा आपको बताइए प्रैक्टिकल्स में। तो मिलता हूँ भाई आपसे सीधा प्रैक्टिकल देने के बाद। गाइस ये है हमारा हॉस्पिटल का सारे वार्ड का एचओडी मिस्टर दिलीप सिंह। हेलो कर दे भाई, कैसा है तू? तो क्या बोलना चाहोगे प्रैक्टिकल से पहले? बैड आ रही है, मैं कुछ आता नहीं। अच्छा तो पूरा साल क्या करते रहे? गंडे छिलते रहे? अभी टाइम हो रहा है 12:57, मेरा प्रैक्टिकल भाई हो गया, मेरा वाला हो गया, बाकी हो रहा है अंदर। वाइवा हुआ ना, वाइवा मेरा ए क्लास ही हुआ है, मतलब अच्छा ही हुआ है। नर्वसनेस हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, बट ऑल इज़ वेल, सारा कुछ ठीक ही हुआ। तो गाइस यार सारे बच्चे अभी अंदर ही हैं, प्रैक्टिकल होने में टाइम लगेगा भाई यहाँ वहाँ पे, तो मुझे लगी है भूख, मैंने बोला यार मैं चलता हूँ आगे, कौन वेट करता रहेगा वहाँ पे, तो बाहर जाके कुछ खाते हैं भाई। उसके बाद यहाँ देखिए नेस्कैफे, यहाँ एक मन कर रहा है भाई नेस्कैफे में कॉफ़ी पीऊँ जाके, दूसरा मन कर रहा है भाई नान खाऊँ बाहर जाके, नान ही खा। तो जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था ना, तो एमरजेंसी यहाँ होती थी, अब तो भाई सबसे आगे एमरजेंसी, और अच्छी बात भी है कि सबसे आगे है। वे टू फिजियोथेरेपी भाई, अभी फिजियोथेरेपी यहाँ पे कर दी है इन्होंने। तो यार जब से जीएमसी बना ना, यहाँ पे भाई आए दिन कोई ना कोई न्यू चेंजेस देखने को मिलती है, और जाहिर सी बात है देखने को मिलेंगी भी, क्योंकि पहले ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, फिर अपग्रेड करके यहाँ पे जीएमसी बना दिया गया अभी, तो उतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है दिन ब दिन यहाँ पे। और भाई यहाँ देखिए यार पार्किंग में तो जगह ही नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी लगाने की, मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ इतने लोग बीमार। ये जो पेड़ है ना भाई, ये पेड़ कई लोगों के लिए एसी का काम करेगा गर्मियों के दिनों में। भैया एक नान। ओके गाइस, तो अभी खाना पीना कर लिया हमने, अभी यार चाय भी नहीं थी, लेकिन चाय यहाँ से नहीं पियेंगे हम, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम है, मैंने LIC ऑफिस भी जाना है, अभी दीदी के घर वाली साइड भी जाना है, वहाँ पे काम लगा हुआ है, तो चाय हम पीते हैं कहीं और, देखता हूँ कहाँ, जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे पीऊँगा। फिलहाल चलते हैं फिर से अंदर वाली साइड, अपने दोस्तों से मिलता हूँ। शिट यार सामने गाइस एक्सीडेंट हो गया यार गाड़ी का। चीज अंदर पाओ ना, ये लाग हो। तो भाई यार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मेरे आंखों सामने, मतलब मैं शूट नहीं कर रहा था, बट मैंने देखा यार लाइव, वो जहाँ से गाड़ी वाला ना गाड़ी को मतलब पिक कर रहा था गाड़ी, तो चढ़ाई थी थोड़ी सी, और उसने फर्स्ट गियर डाला था, और उसके बाद क्या हुआ आगे से आ गई भाई महिंद्रा, और वो भी रॉन्ग साइड थी, लेकिन भाई मुझे जितना लगता है महिंद्रा वाले इतनी गलती नहीं है, इसलिए भाई मैंने इनको बोला थोड़ी इनकी सलाह करवाई, कि वो ये सारे बोलने लगे जितने भी यहाँ पे आसपास थे महिंद्रा वाले गलती है ये है वो है उसको पड़ गए। तो फिर मैंने यार क्योंकि मैं आई विटनेस था, ऐसे मामलों में ना यार चुप नहीं रहना चाहिए, हमारे लोग सोचते चुप रहेंगे हम, तो चुप रहने से ना भाई उसका नुकसान हो जाता है, उसको बोलते 20,000 भरना ये भरना, जिस जो बंदा गाड़ी चला रहा है कार वाला उसको पता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है और किस वजह से हुआ, मेरी गलती है नहीं है, वो नहीं बोल रहा बेचारा, लेकिन लोग आके बहुत बोल रहे हैं महिंद्रा वाले की गलती है ये है वो है। अगर आप एक्सेलरेट नहीं करते आगे पीछे देखते तो गाड़ी बजनी नहीं थी, उनको सारा पता है गाड़ी वाले को भी, इसलिए वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे। तो बस यही बोल रहा हूँ कि यार ऐसे केस में जब पता होगी अपनी गलती है तो इंश्योरेंस ले लेना चाहिए किसी गरीब बंदे को यार, ऐसे नहीं तो वो महिंद्रा वाला पूरा कांप रहा था भाई। उसके बाद फिर जब मैंने बोला कि इनकी गलती नहीं है, फिर सारे माने हाँ यार इसकी गलती नहीं है, उसके बाद भाई महिंद्रा वाले का भी नहीं पता चला, वो भी भाई चला गया गाड़ी स्टार्ट करके, ये चीज़ गलत होती है यार, बात ख़त्म करके जाना चाहिए। और ऐसे गाड़ी भाई एक्सेलरेट हुई और उधर से रॉन्ग साइड ऑटो आया मार गया ऐसे, भाई देखो
यार मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं भाई चाय कम पिया करो, तो आज मैंने सोचा था कि मैं अभी चाय नहीं पीऊँगा, चाय की जगह मैं वो सोडा वाला पानी होता है ना वो पीऊँगा, लेकिन भाई देखो किस्मत ख़राब, यहाँ पे सोडा वाली पानी वाला होता है भैया और आज वो है ही नहीं, आज ओनली फ्रूट वाला है। गाइस तो ये वाला व्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड आज के व्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद आपको आज के व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टाटा एंड बाय बाय।